हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम VBA के थ्रू एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें हम जो भी यूज़र अगर एक्सेल को अगर ओपन करता है या तो सेव करता है, उसको हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके उसे हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें उसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जिससे कि जब भी कोई भी यूज़र अगर फाइल को ओपन करता है, लेट्स सपोज़ कि एक शेयर ड्राइव में फाइल है और मल्टीपल यूज़र उसमें काम करते हैं, और एक्चुअली होता क्या है कि जिसने लास्ट में फाइल को सेव किया होता है तो उसी का नाम आता है, उससे पहले वालों का नाम नहीं आता है, राइट? मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी कोई फ़ाइल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, आप उसको ट्रैक करना चाहते हो कि किस टाइम पर किस यूज़र ने इसे ओपन किया था या तो क्लोज़ किया था, तो इसे हम एक टेक्स्ट फाइल में इसका एक लॉग फाइल टाइप मतलब टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके उससे हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि फ़ाइल को ओपन किसने किस टाइम पे किया था, क्लोज़ किस टाइम पे किया था, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और वो हमारी एक्सेल में इंक्लूड नहीं होगी, वो हमारी टेक्स्ट फाइल में होगी। इसके लिए हम अपने VBA एडिटर को ओपन कर देते हैं ऑल्ट F11 से, और इस तरह का आपको ऑल्ट F11 करके एक मॉड्यूल दिखेगा, इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं एक मॉड्यूल, और यहाँ पर मॉड्यूल इंसर्ट हो गया, तो यहाँ पे आप अपना एक कोड यहाँ पे इसका बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक सब रूटीन यहाँ पे लिखता हूँ, सब टेक्स्ट फाइल लॉक करके ऐसे इसका एक नाम दे देते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ इसके बीच में हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे एक पाथ को डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखूँगा डिम पाथ एज स्ट्रिंग। यहाँ पे आप कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं, जैसे ABCD, जैसे P और ABCD। जब पाथ का मतलब ये खाली एक स्ट्रिंग लोकेशन को मतलब कॉपी, मतलब इसके अंदर वो स्ट्रिंग की लोकेशन जो भी होगी हमारे पास, इसमें हम स्टोर कर देंगे पाथ का वेरिएबल में। तो ये हमारा एक्चुअली वेरिएबल है जिसका टाइप है स्ट्रिंग, राइट? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पाथ का जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें हमें अपना पाथ देना पड़ेगा, जो भी हम टेक्स्ट फाइल जहाँ पर भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं पाथ इक्वल टू कर देता हूँ, और एक मेरे को फाइल की लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, लेट्स सपोज मेरी ई ड्राइव में डेटा है, इसको भी हटा देते हैं, ई ड्राइव में डेटा फोल्डर के अंदर ये मेरी फाइल भी, वैसे टेम्पलेट फाइल यहीं पे पड़ी हुई है, तो इस लोकेशन पे मुझे एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कराना है। तो मैं यहाँ पर फाइल का पाथ, मतलब इस लोकेशन पर मुझे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करानी है, तो मैं इस फाइल के पाथ को पूरा कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसे डाल दूँगा, और फिर एक फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश जो भी कहना चाहिए आप इसे, बैकवर्ड ही होता है आई थिंक, ये लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट, और ट्रैक लिख देते हैं इसका नाम, ट्रैक डॉट TXT फाइल हम यहाँ पर क्रिएट करवाएंगे इस लोकेशन पर, और इस लोकेशन पर क्रिएट करवाने के बाद हम यहाँ पर दे देंगे ओपन पाथ, पाथ मतलब ये फाइल के ओपन हो जाएगी, फॉर अपेंड एस एंड यहाँ पे #1, मतलब जो भी हम इसमें डिटेल देंगे वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगी, मतलब जैसे हमने एक टेक्स्ट लिखा हेलो वर्ल्ड, फिर हमने दूसरी बार ओपन किया तो उसके नीचे से टाइप करेगा, इसलिए हमने अपेंड का यहाँ पे यूज़ किया है, और ये एक्चुअली इसका सिंटेक्स होता है, ओपन पाथ फॉर अपेंड एस #1 करके, राइट? देन यहाँ पर लिखेंगे हम राइट #1 राइट के लिए, देन यहाँ पे पहले हम एक नॉर्मल सा हेलो वर्ड कर बना देते हैं यहाँ पे, मतलब एक टेक्स्ट को देखते हैं सेव होता है कि नहीं होता है, हेलो वर्ल्ड, इस कोड को पहले हम टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमें कॉमा देना पड़ेगा, इसकी वजह से एरर आ रहा है, एंड देन यहाँ पे हम कर देंगे क्लोज टेक्स्ट फाइल #1, राइट? और इस कोड को हम रन करते हैं यहाँ से, और रन करने के बाद लोकेशन पे जाते हैं, ई ड्राइव की लोकेशन पे, ओके, तो ये मेरी ई ड्राइव की लोकेशन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक मेरा ट्रैक फाइल जो हमने यहाँ पे नाम दिया था वो हमारी ऐड हो गई है, और इसका नाम हेलो वर्ल्ड आ गया, राइट? अब मैं फिर से इस कोड को अगर मैं रन करता हूँ, इस फाइल को बंद करके फिर से रन करता हूँ, इसे 2-3 बार रन कर देते हैं, तो इसको ओपन करते हैं, तो अब देखेंगे हेलो वर्ल्ड करके मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आ गया, राइट? लेकिन हमें इसमें ये खाली टेस्टिंग के लिए बनाया था, मैं अगर
इसी कोड को हमें थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे. लेट सपोज़ कि मुझे इसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन डालनी है. लेट सपोज़ कि जैसे कोई यूज़र इस फाइल को सेव करता है तो उस टाइम पे मुझे इसकी इंफॉर्मेशन डालनी है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेव्ड बाय, और जो भी यूज़र का नाम होगा यहाँ पे एंड करके यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट यूज़र नेम, यूज़र नेम, एंड देन इसको यहाँ पे कंकेटिनेशन दे देते हैं, और यहाँ पे अंडर स्कोर एंड नाउ का फंक्शन यहाँ पे हम लगा देते हैं, जिससे कि होगा क्या कि जिस भी पर्टिकुलर टाइम पे यूज़र अगर सेव करेगा डेटा को तो उसकी पहले तो उसका यूज़र नेम आ जाएगा, देन वो करंट डेट ऑन टाइम आ जाएगा. राइट, मैं इसे रन करके देखते हैं. और यहाँ पे हमारी फाइल इसे क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं ओपन करके. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा टेक्स्ट जो था सेव्ड बाय, जो इस वाले जो कंप्यूटर है उसका जो प्रोफाइल का नाम है, जो एप यूज़र नेम है उसका, उसका नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक, तो उसका नाम आ गया. देन यहाँ पे ये अंडर स्कोर की वैल्यू आई है, ये वाला पार्ट. राइट, अब इसमें एक और स्पेस दे देते हैं हम इस तरीके से, एंड यहाँ पे फिर नाउ का फंक्शन आ गया हमारे पास, ये वाला नाउ, जिसमें कि डेट और टाइम दोनों के दोनों यहाँ पे आ गए हैं. राइट, ये 12 तारीख की डेट है, 12 सितंबर 2020 1:15:44 AM. और इसको क्लोज़ करके हम फिर से एक बार रन कराते हैं इसे, रन एंड ओपन करके देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए स्पेसिंग भी आ गई है यहाँ पे, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे कलेक्ट हो गया. मैं फ़िलहाल इसे डिलीट कर देते हैं. अगर हमें इस वाले कोड को तब यूज़ करना है कि जब कोई भी यूज़र इस फाइल को सेव करे तो उस टाइम पे ये वाली वैल्यू वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, कोई यहाँ पे कोड तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो इसके लिए हम मुझे इवेंट फायर करना पड़ेगा इसमें. जैसे बिफोर सेव आफ्टर सेव ये वाले इवेंट्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ. तो इवेंट को फायर करने के लिए मुझे यहाँ पे जो मेरे पास दिस वर्कबुक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा. जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसी का विजुअल बेसिक एडिटर की एक ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ब्लैंक एडिटर बोल सकते हैं इसे, ये ओपन हो जाएगा. और यहाँ पे लिखा होगा जनरल और यहाँ पे डिक्लेरेशन. तो जनरल पे जैसे मैं वर्कबुक पे क्लिक करूँगा तो ओपन का ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल जाता है. तो फिलहाल मुझे बिफोर सेव पे को ढूंढना है मुझे. राइट, तो मैं वर्कबुक ओपन यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, बी प्रेस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे बिफोर सेव ढूंढना है, तो ये वाला आ गया. तो जैसे मैंने क्लिक किया और नीचे ओपन वर्कबुक वाले को मैं डिलीट कर दूंगा फिलहाल के लिए. तो ये मेरा बिफोर सेव का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्कबुक और बिफोर सेव, तो इसका मेरा एक सब रूटीन ऑटोमेटिकली जो इवेंट्स होते हैं ऑटोमेटिकली उसने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी दे दी है बिफोर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका बन के आ जाएगा. राइट, वर्कबुक बिफोर से इसमें वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिफाइन होते हैं जितने भी बुलियन वैल्यू हैं यहाँ पे. राइट, इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने कोड बनाया था यहाँ से यहाँ तक इसको मैं कॉपी करूँगा. ये सब को नहीं करना है मुझे, खाली इसके बिटवीन में जो सब और एंड के बीच में जो कोड है उसके वो ये वाला कॉपी करना है, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है. राइट, बस इतना ही काम करना है मुझे, क्योंकि मैंने कोड ऑलरेडी बना के टेस्ट कर दिया था वहाँ पे. और यहाँ पे मुझे अब क्या करना है कि मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा यहाँ पे जो हमारे जो इवेंट का नाम है उसका नाम है बिफोर सेव. मैंने यहाँ पे अपने पहले इसको क्लियर कर देते हैं, इस ट्रैक फाइल को भी हटा देते हैं. अगर इसे आप डिलीट भी कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली नई इसे फाइल को क्रिएट कर देगा. और मैं रन करता हूँ इसे, ये रन पे नहीं होगी एक्चुअली, ये बिफोर सेव का इवेंट है, तो ये मैं जब वर्कबुक को सेव करूँगा तो मेरा इवेंट फायर होगा ये. राइट, तो मैं इसको सेव करते हैं यहाँ से, सेव सेव, 2 बार मैंने सेव किया. और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैक वाली फाइल मेरी जो ई वाली लोकेशन है यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे इसने 2 टाइम दे दिए सेव्ड बाय टिप्स एंड ट्रिक्स, और यहाँ पे टाइम आ गया डेट एंड टाइम और ए एम, मतलब जिस टाइम पे किया ये 53 सेकेंड पे मैंने किया था और ये 54 सेकेंड में किया था. राइट, और यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है. और मैं फ़िलहाल इसे क्लोज़ कर देते हैं और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल. तो मैंने सेव का इवेंट यहाँ पे बना दिया कि जैसे कोई भी यूज़र एक मेरी वर्कबुक है और उसे सेव करता है तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली हमारी जो टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे आ जाएगी. जैसे यहाँ से सेव करेंगे चाहे कहीं से भी सेव करेंगे, वर्कबुक को सेव करते ही वहाँ पे आ जाएगी. अब हमें ओपन का भी बनाना है कि जैसे कोई भी यूज़र फाइल को ओपन करे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाए. तो मुझे यहाँ पे वर्कबुक ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, दिस वर्कबुक में यहाँ पे जाएंगे जब आप, जहाँ पे मेरे इवेंट्स होते हैं दिस वर्कबुक में,
और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा बिफोर सेव का जो इवेंट मैंने अभी किया है, तो मुझे ओपन वाला इवेंट ढूंढना पड़ेगा इसमें। ओपन वाले इवेंट के लिए मैं ओ प्रेस कर दूंगा यहाँ पे, तो ये मेरा ओपन वाला इवेंट आ गया राइट, और इसका सब रूटीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो सेम मैं ये पूरे कोड को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दिया मुझे इंटायर, मतलब ये ऊपर वाला नहीं, बस मिडिल में जो पार्ट है, जो प्राइवेट सब और एंड क्लोज सब के बीच वाला पार्ट है, इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मेरा ऑटो ये रीयूजेबल कंटेंट है, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी पूरी कोडिंग कर चुके हैं, खाली हमें इसे अमेंडमेंट करना है। तो यहाँ पे पहले बिफोर सेव में था, वर्कबुक ओपन वाले इवेंट में, कि जैसे कोई वर्कबुक को ओपन करे तो उस टाइम पे भी उसका नाम वहाँ पे कैप्चर हो जाए, और यहाँ पे लिखा था सेव्ड बाय, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओपन बाय, ओपन बाय, यहाँ पे यूज़र की इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाएगी इस वाले पार्ट में, और यहाँ पे जो डेट और टाइम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नाउ वाले फंक्शन से। अब मैं इसे फिलहाल बंद कर देते हैं इसे, और इसको मैं सेव करता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। फाइल मैंने बंद कर दी है, तो अभी आप देखेंगे कि अभी मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ ना, तो अभी मेरी फाइल को ही मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ट्रैक वाली फाइल को डिलीट हो गई है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, राइट ओपन हुई, और मैं इस लोकेशन पे जाता हूँ तो इस ट्रैक फाइल में आ गया ओपन बाय टिप्स एंड ट्रिक्स, ये आज की डेट आ गई है और यहाँ पे टाइम आ गया राइट, और यहाँ पे एएम आ गया राइट, और मैं इस फाइल मेरी ओपन हो गई है, और मैं इसे सेव करके क्लोज कर देता हूँ। अब इसमें हम ट्रैक में जाते हैं, तो इसमें आएगा ओपन हुई थी 120/127 पे, और सेव्ड बाय 121/46 पे सेव हुई थी राइट, और यूज़र का नाम यहाँ पे ये यह है, जैसे और भी मल्टीपल, अभी तो मैं सिंगल सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे चेक कर सकते हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में एक शेयर ड्राइव है, मल्टीपल यूज़र काम करते हैं, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब वहाँ पे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कैप्चर हो जाएगी राइट। तो हमारा जो कोड है, ऑल्ट F11 करके दिस वर्कबुक में जाते हैं, ये वाला पार्ट है एप्लीकेशन डॉट यूज़र नेम, ये ऑटोमेटिकली जो भी उनका यूज़र नेम होगा सिस्टम का, उसको कैप्चर करके उस फाइल में डाल देगा राइट। और मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस फाइल को मल्टीपल टाइम सेव सेव सेव, 3 बार मैंने सेव किया एंड क्लोज कर दिया। और तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल सेव्ड बाय 32 सेकेंड पे हुई थी, फिर 33, 33, 33, 34, 34 राइट, इतनी टाइम पे सेव हो गई। अगर मैं ओपन करता हूँ और फिर ओपन करके क्लोज कर देता हूँ इसे, फिर से ओपन करते हैं और क्लोज कर देते हैं, तो आप देखेंगे लास्ट में जो मेरे लॉक्स क्रिएट हुए हैं, ये ओपन माई एक्सेल यूज़र, यहाँ पे आ गया यूज़र नेम, और यहाँ पे डेट एंड टाइम, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई कितने बार ओपन किए। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ट्रैक की लोकेशन हो, से आप किसी और लोकेशन पे डालना चाहते हैं, तो वो भी अलग है, अलग मेथड, मतलब उसमें भी आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप नहीं चाहते हो कि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे उसकी फाइल्स ट्रैक हो रही हैं, तो आप अपनी कोई भी प्राइवेट लोकेशन दे सकते हैं अपने डेस्कटॉप में, या तो किसी पर्टिकुलर शेयर ड्राइव में, जैसे कि अभी मैं ई ड्राइव में बना रहा हूँ यहाँ पे इसके लॉक्स। लेट सपोज मेरे यहाँ पे एक और मैं ड्राइव ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, जी ड्राइव में कर देते हैं राइट। यहाँ पे अभी देखिए कोई भी लॉग नहीं है, मैंने ये फाइल की लोकेशन को कॉपी किया, और कोड में जाएंगे हम यहाँ पे Alt F11 दिस वर्कबुक वाले पार्ट में जाएंगे, और यहाँ पे जो मेरी लोकेशन है फाइल की, खाली मुझे ये चेंज करनी है, बाकी तो ट्रैक टेक्स्ट तो ऑटो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे जाके चेंज कर दूँगा मैं इसे, सिंगल स्लैश का भी आप ये ध्यान रखना है इसमें कि सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे भी डाल देंगे इसे। और ये मेरी फाइल, मैं इसे सेव करता हूँ, अब इसको थोड़ा इस वाले मोड में रख देते हैं राइट, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये अभी हमने जो जी वाली लोकेशन में अपने ट्रैक फाइल बनाई है राइट, कि यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए, जिस लोकेशन में मेरी फाइल है वहाँ पे ना होकर किसी और ड्राइव में किसी अदर लोकेशन पे हो जाए, तो मैं इसे जाके यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव के लिए मैं यहाँ तो कंट्रोल एस कर देते हैं इसे, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया यहाँ पे ट्रैक फाइल ओपन हो गई है, और मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे सेव्ड बाय यूज़र
यूज़र की इन्फॉर्मेशन और टाइम भी आ गया, राइट। और फिर मैं इसे सेव करता हूँ इसे, तो आप देखेंगे कि दो बार यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे और फिर से ओपन करते हैं ई ड्राइव में जाके, यस यहाँ पे जाके ओपन कर देते हैं। और ओपन किया मैंने, जी ड्राइव में गए और जी ड्राइव में मैंने देखा तो यहाँ पे ओपन बाय टिप्स एंड ट्रिक्स और टाइम भी आ गया। तो इस तरीके से आप जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लगता है कि आपने कोई सेंसिटिव फाइल बनाई है कोई भी, उसमें जाके कोई भी चेंजेस कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की लॉक फाइल जनरेट करवा के आप ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवा लो जिस भी यूज़र ने जितने भी टाइम के लिए फ़ाइल को यूज़ किया है, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट हो जाएगी। और इससे हमारे मतलब जो भी एक्सेल फाइल है उसमें भी अगर हम लॉक नहीं क्रिएट करवाना चाहते तो टेक्स्ट फाइल ऐसा होता है कि इसमें ये ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर देगा और यहाँ पे आपको इजीली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे कि कई यूज़र होते हैं जो कई क्रिटिकल फार्मूले फंक्शन बनाते हैं और एंड में जाके कोई भी चेंज कर देता है तो लास्ट में वही पकड़ा जाता है कि जिसने लास्ट में सेव किया हो। तो इस तरीके से होता क्या है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसने किस टाइम पे फाइल को सेव किया था और किस तरीके से किस यूज़र ने ओपन किया था और किस टाइम पे और डेट पे किया था। तो इस तरीके से आप लॉक फाइल को क्रिएट करवा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।